आप अभी हमारी जो जितनी भी सारी की सारी टीम बाथरूम पे आके खड़ी उसा सारी टीम करके तो पे आके खड़ी साइड पे बोल रहा है तो चले गए ओ ओ ओ ओ ओ पूरी गर्मी बरसात मेहनत देती है इन्हीं के कबूतर नहीं है और कौन कौन है ये लड़का इनका फेस ये हमारा लड़का है उस्ताद फरीद का नुमान ये भतीजा है जम्मू ये बंटी भाई है तुम्हारा क्या नाम है मोहम्मद मोहम्मद मिया जी और ये नुमान ओ आरम जी और ये जो छत है ये किनकी है ये हाजी नन्ने साहब की है बर्तन वालों से जी खलीफा शाहरुख के नाम से खलीफा शाहरुख के नाम से है पर जो खलीफा शाहरुख जी थोड़े शर्मीले हैं तो अभी मैं उनकी फोटो भी दिखा देता हूँ ठीक है मैं खुद पर्सनली उनके पास जाके मैं अभी आपको दिखाऊंगा ठीक है तो ये अब मैं आ गया हूँ अब मैं ऊपर उनको शाहरुख जी को दिखा के आता हूँ मैं आपको ये देख लो ये हमारे शाहरुख जी हैं ये बैठे हुए और ये हमारे ओखला से आए हुए उस्ताद जी क्या नाम है उस्ताद जी राशिद राशिद जी नाम है ये हमारे शाहरुख जी हैं तो शाहरुख जी बताओ कि छत पे कैसे क्या है आपका भाई छत पे कबूतर मैं ही उड़ाता हूँ जी भाई तार खलीफा उस्ताद का उस्ताद फरीद का जी कप में छते पांच कपों में आपके एक एक छत आपकी भी है मेरे नाम से छत उड़ेगी आपके नाम से छत उड़ेगी कोई बात नहीं है थोड़े शर्मा रहे थे कोई बात नहीं मैंने इनकी शर्म सारी खत्म कर दी है ठीक है और इनसे सॉरी भी बोल देता हूँ मैं दिखा पा रहा हूँ कबूतर लगे शानदार जवाब सात फरीद जी दिल्ली 6 ए लाइट के पास तुर्कमान गेट तो देखना ये पीछे देख जा रहे जा लेंगे उस्ताद जी का तो उस्ताद जी ने खाते पानी भी बहुत अच्छे किए मज़ा आया ठीक है और जो इनसे चीज़ें पूछी उन्होंने बताई ठीक है सेटअप है ठीक है सर नहीं नहीं आपको सारे नल दिखा देते हैं देख लो आज जो हम छत पे आ रखे हैं सारे उस्ताद फरीद जी की छत पे आ रखे हैं तुर्कमान गेट पीपल वाली मस्जिद के पास हाजी नन्ने जी के कबूतर हैं सारे बल्तन वालों के ये आपके सारे नर हैं अब आपको मादिन ने दिखा देता हूँ सारी माध्यम से सारी और सेटअप भी बहुत अच्छा बना रखा है इन्होंने जैसे कि आपको दिखा पा रहा हूँ अब आपको बाहर निकाल के दिखाते हैं सारे कबूतर खोले जा रहे हैं सारे ये देखो 250 का बल्ला है 250 प्लस का बल्ला ये देखो तो आप देख लो दो सौ तीस का बल्ला है उस्ताद फरीद जी का Woo!
रहे, 930 का बल्ला है, ड्रामा कर रहे हैं कबूतर, बजाता मुझे दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, अभी कुश्ती होने वाली है, कोना कहानी हुई थी जस, ये हो गई, अब इसमें मिल गए, ये देख लो एक कुश्ती होने वाली है, एक तो मिले हुए हैं, ये दूसरे भी मिल गए, ये देख लो, और ये दिल छूने वाली है तीतरी हमें तीन कबूतर मिल चुके हैं, तीन टुकड़ी, और मैं आज यहाँ पे आ रखा हूँ, ये पीपल वाली गली, पीपल वाली मस्जिद है, ठीक है, तुर्कमान गेट दिल्ली 6, वहाँ के आपको दिखा रहे हैं, ये देख लो उधर कट गया, ये अपने अलग आ गए 250 जो है हमारे, ये देख लो सारे भाई, ये सारे भाई अपने, ये करण भाई आ रखे हैं, ये रवि भाई हमारा रखे, बिल्कुल बिल्कुल भाई, इधर मुंह करके बैठो सारे, ठीक है भाई, अपना अपना नाम बता देना है, मुझे ज्यादा पता नहीं है किसी का, ये हमारे खलीफा जी है, ये अदनान भाई है हमारे, ये ओखला से आए हैं राशिद भाई, और भाई कौन है वो, ये हमारे जम्मू भाई है, ये देख लो फिर, ये हमारे खलीफा जी रवि जी, ये देख लो अभी इसमें मिले हुए, ये टोटल कबूतर आए हैं 500 500 प्लस कबूतर है, दो 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 टुकड़ी लगी हुई है ना, ये देख लो, आप मुझे जरूर बताना कि कबूतर कैसे लगे उस्ताद जी के आपको, आई होप मुझे तो अच्छे लग रहे हैं बहुत ही, बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो बनाने आया हूँ कहीं पे, आप कमेंट करिए तो बताना कि आप क्या चाहते हैं, कि अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाता रहूँ तो आपको हर संडे टू संडे वीडियोस ऐसी मिलती रहेंगी, और कमेंट में जरूर बताइएगा मैंने इनविटेशन दिया था उस्ताद जी ने, और हमारा था दिल्ली 6 तुर्कमान गेट उस्ताद फरीद जी के, हाँ जी सही सुना आपने, उस्ताद फरीद जी के यहाँ, चल 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 मैंने चल चल 230 का बल्ला है, मेरे को ध्यान नहीं रहा, मेरे को ध्यान नहीं रहा, चलो ठीक दूसरा आते है, कुछ राय दिखाऊं।
ये देखो 230 का पल्ला है। मुझे तो मजा आ रहा है कबूतर देख के। आप कमेंट में जरूर बताना कि कबूतर कैसा लगा, ठीक है, और हो सके जितना हो सके उतना शेयर भी करना। ये देखो ये किसी और के हैं, ये किसी और के हैं, ठीक है, अपने जो हैं वो उधर लग गए। आप देख पा रहे हो इधर लगी पड़ी है, 3 से 4 टुकड़ी लगी पड़ी है। ये देख लो, ये देख लो, ये हमारे उस्ताद जी। सारे अपने कुछ खा ले तो गई हुई है ना, केरला में कुश्ती करा दी थी गांधी के ऊपर से खाला। ओ ओ ये देख लो, और गांडू के उठते हैं ओ देव आवाज दे। ओ आज लड़े थे ये जो कबूतर दिख रहे हैं, इसे थोड़ा सा लक्ष्य चल ले। ये देखो पहले आपको टुकड़े दिखा देता हूँ, वहां से एक ये पीछे ये देखो सारी दीवार को नहीं बैठ पाता, टिंग हो गया सही है नहीं जहाँ भी नजर जा रही है वहाँ पे कबूतर की छत दिख रही है। ये देख लो किसके है मुझे पता, अपने तो आगे गए हैं। ये देखो ये अपने, ये अपने और उसके पीछे वाले ये किसी और के, ये किसी और के। ये देखो, ये देखो
उसका मार्जिन वाला सीन है, वो छज्जे थोड़ा ये देखो कहाँ उतरेगी। आपको सारे दिखा देते हैं, ये देखो सबकी परी देखो। ये देख लो सारे बैठ गए। फिर दीवार से देखो, फिर सगी खा के फिर वहीं पे पहुंचा। मगर आपको दिख पा नहीं है, देखो फिर से दोबारा चले गए और बहुत ही अच्छे लगे मेरे को। तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि कबूतर कैसे लगे आपको। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे नई नई वीडियोस लेकर आऊँ, छतों पर जाता हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। दिल्ली 6 की कबूतर है, पुरानी दिल्ली, ठीक है, डिलाइट के पास के उस्ताद फरीद जी के। देख लो सारे कबूतरों की परी जैसी लगी हुई है। तो मुझे गोलों की इतनी नॉलेज नहीं है, पर फिर भी आप मुझे कमेंट करके बताना कि कबूतर कैसे लगे, ठीक है। ये देख लो, अब देख लो, अब बता दो। देख लो सारे भाई लोग, देखिए बाहर की आके बैठी है, नहीं निकल गई। ये दाना डाल लिया तो आप ये निकल हमारे तो रैंड में तावे लेके भी बैठ जाते हैं, मार गए हो गई ये देखना। तो उधरों का ये इशू है कोले को, जब आपका मन करेगा आप डेढ़ से दो घंटे का शौक होता है कोले पर, होता लाजवाब है। ये हमारे जतिन खलीफा जी चंदन नगर की शान जतिन खलीफा जी यूट्यूब पर दिखेंगे। ये देख ले, ये मिल गए। और कबूतर बहुत ही अच्छे लगे मेरे को, आप कमेंट करके जरूर बताना। करण कबूतर कैसे लगे? बढ़िया। जी कैसे लगे आपको कबूतर? बढ़िया। तो सर जी तुम्हें कैसे लगे खलीफा जी? बहुत बहुत बढ़िया।
भाई कबूतर कैसे लगे भाई साहब बताओ जी? कबूतर बहुत बढ़िया लगेगी और बहुत मज़ा आ रही है, अभी आने वाले टाइम में और मज़ा आएगा माशाल्लाह। यहाँ पर अभी ये टोटल कितने थे? 230 टोटल, 230 कबूतर हैं। और अदनान भाई बताएंगे हमारे, ये भी रोज़ आ रहे हैं। अदनान जी कैसे लगे आपको कबूतर? मैं तो आज पहली बार आया हूँ, आप तो डेली आ रहे हो, डेली कबूतर कैसे लग रहे हैं आपको? जी जी ये आपका दिल्ली 6 में लग जाती है आपकी, है ना? बिल्कुल। तो आप भी कबूतरों को शौकी करते हो? हाँ जी शौक करते हैं। ठीक है, किसी दिन इनकी छत पे भी चलेंगे, उनके भी दिखाएंगे। ये देख लो, ये हमारे चंदन नगर की शान, ये रही हमारे चंदन नगर की दूसरी शान। पहली शान तो जतिन जी हमारे, जतिन जी देखो जा, ये देखो पहली शान ये है, दूसरी शान ये है, तीसरी हमारी ये है। आपको दिखा देते हैं, ये देखो, ये देख लो कबूतर कैसे हैं भाई। डर रहे हैं फिर बोल लो, साले भाग हैं। अभी उस्ताद जी से भी बात करेंगे थोड़ा सा, और सारी चीज़ें बताएंगे कि कैसे क्या होते हैं। इस टाइम पर ठंड का टाइम है, तो ठंड में क्या चीज़ उनको देनी चाहिए जिसे वो बीमार ना पड़े। ये देख लो, सारी चीज़ें बताएंगे, सारी चीज़ें कुछ पूछेंगे। अभी वो कमेंट करके ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो में कोई ऐसा क्वेश्चन पूछो कि सबके लिए फ़ायदेमंद भी होगी। ठंड का टाइम है, ठंड में कैसे कबूतर ढकने चाहिए, कैसे क्या है, वो सारा कुछ उनसे पूछेंगे। ठीक है, वो बताएंगे आपसे। और आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या चीज़ अगली वीडियो में जो भी मैं बनाऊँ तो उसमें मैं क्या चीज़ पूछूँ, क्या चीज़ ना पूछूँ। ठीक है, और इस वीडियो में क्या किस चीज़ की कमी आ रही है मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, और जिन भाइयों को मेरा नंबर चाहिए होता है, नंबर तो मैं वैसे हर डिस्क्रिप्शन में डाल ही देता हूँ, फिर भी आप मेरे से लेना चाहते हो कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये देख लो, बने रहे बैठा देख लो, ये आ गए सारे। बहुत ही अच्छे कबूतर लगे इनके मुझे, कबूतर सारे ही अच्छे होते हैं, बट जो उस चीज़ को खेल पाए अच्छे से वो साथ होता है। ये देख लो, मुझे कबूतर का नाम नहीं पता, फिर भी मुझे आप बताना कि कबूतर का क्या नाम बोलते हैं। ठीक है, और बहुत ही अच्छे लगे मेरे को कमेंट। अब ये देखो, आज जैसे कि आप देख पा रहे हैं,
आपको दिखा रहा हूँ, देख लो देखना मत हो, क्योंकि तुम्हारे कमेंट आते हैं फिर वो क्या कमेंट करते हो, चल दूसरे को तो पढ़ने दे, डिलीट कर दे, भेज के डिलीट कर देते हो। आई होप इस वीडियो में बोलना नहीं चाहिए, पर तुम जैसे हो तुम वैसे हो, तो वीडियो को एंजॉय करते हैं। ये देख लो, ये देख, हाजी हाजी, हाँ हाँ, ये देख, ये किसी के खुद लग गए। Oh.
सारे दो सौ तीस का बल्ला उस्ताद जी का, उस्ताद फरीद जी का। तिल्ली फटेगी इसकी, एक किलो तिल्ली नहीं है गांडू की, फटेगी। आप देख सकते हो, देख लो बहुत ही अच्छे कबूतर हैं उस्ताद जी के। आज आपको जो दिखाएंगे सारे के सारे पटियाले कबूतर हैं उस्ताद फरीद जी के, जो डिलाइट के पास है दिल्ली छः, पुरानी दिल्ली छः, और पीपल वाली मस्जिद के पास है। आदाब और सत श्री अकाल, स्वागत करता हूँ भाई आपके अपने चैनल में एपी पिजन लॉफ्ट में। मैं आपका होस्ट समित प्रजापति। आज जो मैं आया था उस्ताद फरीद जी की छत पे आया हुआ था, और डिलाइट के पास है दिल्ली छः में, तो उनसे थोड़ी सी मुलाकात करेंगे और उनके बारे में बताएंगे कि उन्होंने कबूतरबाजी कब से स्टार्ट करी, कैसे था। ठीक है, तो आइए उनके बाद लेके चलते हैं। और वैसे तो उनका जो कबूतरों का जो पल्ला जो इस बार दिखाएंगे 230 का पल्ला है, ठीक है, वैसे जो छत दिखाई जा रही है ये कब पे भी देखी जाएगी, ठीक है, तो वो आपको दिखाते हैं। आइए, ये हमारे उस्ताद जी हैं, ठीक है। उस्ताद जी बताइए कि इधर से आप कितने टाइम से आप इधर कबूतरबाजी कर रहे हैं? अरे मैं तो बचपन से कर रही हूँ, मुझे होश ही नहीं कब से कबूतरबाजी कर रहे हैं। ये बचपन से ही कबूतरबाजी कर रहे हैं हमारे भाई है ना। हाँ जी, भाई ने जी, हमारी माँ बतलाती थी कि मैं 6-7 महीने का था ये मियाँ गोद में ले आते थे उठा के कबूतरों में। अच्छा, तो ये मतलब कि जब से उस्ताद जी पैदा हुए एक तरीके से मैं ये कह लूँ जब से कबूतरबाजी चल रही है उस्ताद जी की, ठीक है। तो उस्ताद जी थोड़े से क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, मेरे को बस ये बताइएगा कि जैसे अभी ठंड चल रही है, इस ठंड के मौसम में कबूतरों को कैसे बचाया जाए कि वो कबूतर बीमार ना पड़े? भाई कबूतर को एक तो सबसे पहले लस्तन का इस्तेमाल करें घी के अंदर, ठीक है, और क्योंकि आजकल जाड़ों में आदमी घी खिलाता है, लस्तन जरूर है, ठीक है। और मैंने सुना है कि कबूतर को पूरा पैक करा जाए, मतलब कि पूरा ढका जाए, या फिर उसको थोड़ा सा उगाड़ के रखें? कबूतर को चाहे इतना पैक कर लो, लेकिन कार्टूनों से पैक ना करना। अच्छा, कार्टून से ये होता है कि हफ्स बनता है, कबूतर दाना लग रहा जाता है। अच्छा, क्योंकि लोग कार्टून लगा देते हैं, भाई हमारे यहाँ तो दस ये छतों पर हमने देखा है कि कार्टून लगा देते हैं, पैक कर देते हैं जी, तो वो कबूतर लोहाव लगाने लगता है पेट में। अच्छा, मतलब दाना लगने लगता है,
उससे तो होता खराब। पेक चाहिए ना कर दो बोरियों से कंबलों से, कार्टून ना लगाएं। अच्छा तो उस्ताद जी ने एक चीज़ बताई है कि ना अगर आप ठंड में कबूतरों की सेफ्टी रख रहे हैं ना तो आप ना कार्टन ना लगाएं, उसकी जगह बोरी लगा ले कंबल लगा ले वो ज़्यादा अच्छा रहता है। कि कार्टन लगाने से क्या होता है, गत्ते लगाने से कबूतर की जो पेटा पोट होता है ना वो जमने लग जाता है, एक तरह से जाम हो जाने लग जाता है ना। तो उस्ताद जी से वो चीज़ पूछते हैं कि उस्ताद जी कितनी छतों पे आप आपका शॉप चलता है, कि कितने उस्ताद है, कितने वो आपके शागिर्द? शागिर्द तो बहुत हैं, सब जगह ही हैं, सभी जगह पे हैं एक तरीके से। नखलो, कानपुर, रोहतक। अच्छा वैसे अभी 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 इस एरिया में कितनी छतें हैं अभी आपकी? हमारी होंगे 8-10 छतें इस एरिया में। अच्छा 8-10 है। और ये एरिया कौन सा आ जाता है आपका? ये डिलाइट सैलून तंजर खान। जी ठीक है। तो मैंने अभी सुना था कि इसमें अभी आपका कप भी रखा गया था, तो मुझे कप के बारे में बताइए क्या है क्या नहीं है। ये हम 5 उस्तादों की छतें हैं। कौन कौन से उस्ताद हैं? एक तो उस्ताद फरीद हैं हमारी सर आपकी, एक उस्ताद अकबर हैं। उस्ताद अकबर ये कहाँ के हैं उस्ताद जी? ये हमारी हैं मोहल्ला कब्रिस्तान के हैं। मोहल्ला कब्रिस्तान के, ठीक है। और एक आदिल है, एक आदिल जी हैं। और एक उस्ताद असलम है, एक उस्ताद असलम जी हैं। और एक और है एक इरफान उस्ताद इरफान मीर है, एक उस्ताद आदिल है, एक उस्ताद आदिल आदिल, ठीक है। तो आपने 5 उस्तादों का कप रखा गया है छतों का, तो उसमें कबूतर है 101 कबूतरों की है। उसमें दौड़ है या फिर लड़ाई है? नहीं नहीं दौड़ है, दौड़ है। जिसका आगे जाएगा, जिसका आगे जाएगा वो जीतेगा, ठीक है। तो वही दिखाएंगे आपको, हो सकेगा तो मैं आऊँगा भी वो शौक को दिखाने के लिए कि कौन सा कप जीता गया कैसा क्या है, ठीक है। तो अभी इनके कबूतरों का शौक दिखाएंगे आप, वो देखना और कबूतर कैसे गए हैं आगे, लड़ाई जैसे हुई है वो भी आपको सारा कुछ दिखाएंगे आप। बीच में भी वीडियो बना के डालेंगे, कप के आखिर में भी डालेंगे। हाँ कि सारा आपको लाइव दिखाते भी रहेंगे कि आपको कि क्या हुआ कप का कैसा सीन है, वो सारा चीज़ आपको दिखाएंगे। आप देखते रहना और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक भी कर देना, शेयर भी करना। कुछ साथ जी आप बोलना चाहो कुछ? और क्या बात, अभी तो यही है भाई, ये कि जाओगे अंदर जब शौक होगा तो दुनिया देखेगी। बिल्कुल, तो अभी भी दुनिया को जानती है। डेट कब की? डेट और डेट कब की है? तो ये 12 फरवरी की डेट है। 12 फरवरी की है वो, ठीक है। तो 12 फरवरी को भी मिलते हैं आपसे, तो वीडियो देखते रहिएगा, अच्छी लगे तो लाइक भी करना, शेयर भी करना। थैंक यू। ओ ओ मेरा भी सही हुआ। ओ ओ ओ ओ चिकनावा डाला जा रहा है भाई, जब परे रो यार, जब को उधर से काम करवाया जाए उसके बाद उनको खाना पीना ना दीजिए तो कोई फायदा नहीं है ना। आओ
और।